आज 29th अक्टूबर है, जिसे हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे की तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम स्ट्रोक के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक, जिसे सामान्य भाषा में लकवा बोला जाता है, ये अभी के करंट सिनारियो में इसको मौत का दूसरा कारण माना जाता है और डिसेबिलिटी का मुख्य कारण माना जाता है। स्ट्रोक किस वजह से होता है? स्ट्रोक में ब्रेन वेसल्स यानी कि धमनियाँ में एकदम से क्लॉट फंसने की वजह से या तो धमनियाँ फटने की वजह से हो सकता है। स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? स्ट्रोक के लक्षण में हमें शरीर के एक हिस्से में एकदम से वीकनेस यानी कि कमजोरी आना या शरीर का एक भाग एकदम से सुन हो जाना मिल सकता है। पेशेंट को एकदम से देखने में दिक्कत होनी, मुंह टेढ़ा हो जाना, बोलने में दिक्कत होना, उल्टा सुल्टा बोलना या एकदम से होश खोना, ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। स्ट्रोक में अचानक से बैलेंस में दिक्कत आना, ये सिम्टम्स भी मिल सकता है। ये सब हमने बात की स्ट्रोक्स के लक्षणों के बारे में। अभी हम देखते हैं कि जब भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसका मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले शीघ्र से शीघ्र पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, ऐसी हॉस्पिटल जहाँ पे सिटी स्कैन की सुविधा हो, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो और उसकी टीम अवेलेबल हो। पेशेंट को जैसे ही स्ट्रोक के कोई सिम्टम्स हमें दिखते हैं, ऐसी हॉस्पिटल पे पहले पहुंचना है। मैनेजमेंट में स्ट्रोक के दो ऑप्शन अवेलेबल है, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एक दवाई दी जाती है जो क्लॉट को पिघालती है। वो दवाई हम कुछ घंटों के लिए दे सकते हैं, जिसको स्ट्रोक का गोल्डन विंडो पीरियड माना जाता है, जो नॉर्मली 4 घंटे तक है। अभी नई स्टडीज आई है जिसमें 24 घंटे तक भी हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मगर जितना जल्दी हो उतना करना आवश्यक है। दूसरी ट्रीटमेंट है न्यूरो इंटरवेंशन, जिसमें क्लॉट को सर्जरी की सुविधा से निकाल दिया जाता है। ये दोनों ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम में हम डिले करते हैं उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स डैमेज होते जाते हैं और हम वो जो लॉस्ट न्यूरॉन्स को बचाने में सक्सेसफुल नहीं रहते। प्रिवेंशन, अभी देखते हैं स्ट्रोक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब स्ट्रोक ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसका नियंत्रण रखना चाहिए, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम स्ट्रोक को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और कुछ हेल्थ हार्ट कंडीशंस है जिसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम स्ट्रोक को कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरा है स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। धूम्रपान स्ट्रोक के रिस्क बढ़ाता है, उस पर हम प्रतिबंध करना चाहिए। और है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। हमारी लाइफस्टाइल में हर रोज़ का 30-45 मिनट्स का वॉकिंग और कुछ एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइट में हम बैलेंस डाइट का सेवन कर सकते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा हो। ये बात की हमने स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे वहाँ HCG हॉस्पिटल अहमदाबाद में 24/7 स्ट्रोक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्ट्रोक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें आपको इमरजेंसी डॉक्टर्स, न्यूरो एक्सपर्ट्स, न्यूरो ICU एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पे हम एक कैंप स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले 15 दिन के लिए, जिसमें स्ट्रोक रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस, कंसल्टेशंस मिनिमल रेट पे इंक्लूडेड है।